अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, मार्केट में एक और फंड आया है अभी, और उस फंड से रिलेटेड ये चीज़ है कि एक एक्सचेंज होती थी बहुत पहले की, एमटी गॉक्स, जो सबसे पहली एक्सचेंज होती थी जिसके पास बड़ा वॉल्यूम होता था बिटकॉइन के अंदर, उसके अंदर हैकिंग भी हुई और उसके बाद उनका एक लंबा सीन चला कि जो उनसे 800,000 बिटकॉइन जो हैं गुम गए, और उसके बाद कोर्ट में केस चला और काफ़ी लंबा चौड़ा काम उनका चलता रहा। तो अभी ये सीन है कि ये ट्वीट जैसे आप देख सकते हो, इसके अंदर 3 बिलियन डॉलर के जो वर्थ के जो बिटकॉइन थे वो उनको मिल गए हैं। एक प्राइवेट वॉलेट था उनके पास और उसकी जो की थी, प्राइवेट की थी, वो अनइनक्रिप्टेड हो चुकी है। और उसके बाद अब कोर्ट ने उनको ये ऑर्डर किया है कि ये लोग जो हैं रीपे करेंगे अपने इन्वेस्टर्स को बिटकॉइन। तो वो 3 बिलियन डॉलर्स के ऑलमोस्ट वो बिटकॉइन बनते हैं। और ये होगा क्या कि अब जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट थी उस वक्त तो उन लोगों ने बिटकॉइन के इतने साइकिल नहीं देखे हुए थे, अब तो उन लोगों ने 69,000 और सब कुछ देख लिया है, जिन लोगों की भी ये इन्वेस्टमेंट थी। अब ये लोग उनको वापस करेंगे तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि या तो डंप करेंगे मार्केट के अंदर, या तो वो उसको होल्ड कर लेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन अगर डंप किया तो ये बहुत बड़ा डंप होगा जो मार्केट की, BTC की मार्केट को ड्रॉप करके 12,000 तक भी लेके जा सकता है। बट एक फंड है, तो ये अपडेट बहुत ज़रूरी थी। तो ये ट्वीट आप देख सकते हो, इसके अंदर ट्वीट पूरा फॉलो कर सकते हो, सारी डिटेल्स इसके अंदर लिखी हुई हैं। बट ये बहुत बड़ी अमाउंट है जो रिलीज़ होने वाली है, सो मेक श्योर आप लोग अपना ट्रेड्स को सोच समझ के लो। थैंक यू।